सुन रहे हैं नव भारत गोल्ड। सर क्या लोगे? चिली लिंगड़ा, लिंगड़ा सूप, फ्राइड लिंगड़ा, स्टीम लिंगड़ा या लिंगड़ा मोमो, बोलो क्या लोगे भाई जी? रोटी के साथ खाना हो तो लिंगड़ा की स्पेशल सब्जी भी है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी लिंगड़ा की बात हो रही है जिससे खाने के तमाम आइटम बनते हैं। हो सकता है कि आपने इसका नाम पहली बार सुना हो, लेकिन है ये तभी से जब से पहाड़ों पर जीवन खाया और खिलाया भी तभी से जा रहा है, लेकिन अब इसमें कई स्वाद जुड़ गए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में गदेरों के किनारे अपने आप उगने वाली सब्जी लिंगड़ा ने अब बाजार के हिसाब से खुद को बदल कर अपनी कीमत बढ़ा ली है। 2 फीट लंबे पौधे में गहरे हरे रंग का रिंग की तरह लगता है लिंगड़ा। प्रेम पंचोली लेकर आए हैं इस स्पेशल सब्जी के बारे में पूरी जानकारी। होटल में काम करता था, घर लौटना पड़ा तो अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद लिंगड़े की अलग अलग रेसिपी तैयार की और घरों में आमतौर पर सब्जी के जैसी ही बनती है। अब इसका सूप और मोमो मार्केट में बहुत पसंद किया जा रहा है। मैंने जापानी सुशी की तर्ज पर लिंगड़े की सुशी भी बनाई। ये टीकाराम है, उत्तरकाशी की। शहर के तमाम दूसरे युवाओं की तरह रोजगार की तलाश में पहाड़ से नीचे उतरे थे। पहले बेंगलुरु और फिर दुबई के एक होटल में शेफ की नौकरी की। हालात कुछ ऐसे बने कि घर लौटना पड़ा। सवाल था कि अब काम क्या करें। टीकाराम ने पहाड़ों पर चारों तरफ फैले लिंगड़ा पर हुनर आजमाया। उनकी तैयार रेसिपी सभी को भा रही है। टीकाराम जैसे कई और लोग भी घर लौटे हैं कोरोना और लॉकडाउन के कारण। उनमें से कई की रोजी रोटी का जरिया बन गया है लिंगड़ा। ये लोग बाजारों में अपने स्पेशल स्टॉल लगाते हैं, पास के इलाकों में होम डिलीवरी करते हैं, लेकिन ये होम डिलीवरी वैसी नहीं जैसी ऑनलाइन शॉपिंग में होती है। यहाँ आधा काम भाईचारे से हो जाता है। तिवारी जी, माते गांव जाने से क्या थैला मास्टर जी कोई गया हुआ, उसे बोलिया कि पैसा पैसा किताब है का दिन हो जाओ। यानी तिवारी जी ऊपर वाले गांव जा रहे हो क्या? मास्टर जी के घर ये पैकेट दे देना, उनसे कहना कि पैसे का हिसाब किताब दूसरे दिन हो जाएगा। उत्तराखंड के पारंपरिक भोज को पहचान दिलाने के लिए हम लोगों ने गढ़भोज अभियान शुरू किया है, जिसमें लिंगड़ा सबसे आगे है क्योंकि वो हमारा भी परंपरागत सब्जी है और प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में भी उगता है। जरूरत थी बस थोड़ा वैल्यू ऐड करने की। आप यकीन नहीं करेंगे कि पिछले कुछ अरसे में अभियान से जुड़े लोगों ने 2.5 लाख रुपए की आमदनी लिंगड़े से की। द्वारका प्रसाद सेमवाल को भी दरअसल अंदाजा नहीं था कि जंगलों में अपने आप उगने वाली सब्जी इतना फायदा देने वाली है। वो जिस आमदनी की बात कर रहे हैं वो टीकाराम जैसे स्थानीय लोगों को हुई। केवल उत्तरकाशी ही नहीं, राज्य की राजधानी देहरादून, टिहरी, चमोली जैसी जगहों पर भी बढ़ गए हैं लिंगड़े के भाव। यहाँ एक सवाल बनता है कि इसमें स्वाद के अलावा ऐसा क्या है जो लोग खरीद कर खा रहे हैं, जबकि उनके घर के पीछे भी इसका पौधा है। हमें जवाब मिला डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा से। वो हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पर्वतीय शोध केंद्र के निदेशक हैं। लिंगड़े में प्रचुर मात्रा में मिनरल और विटामिन होता है, जिस कारण यह पूरा औषधीय गुण लिए हुए होता है। यह शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इससे फैट एवं कोलेस्ट्रॉल बहुत शून्य होता है, अतः शुगर एवं उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए एक रामबाण साबित होता है। इसमें आंखों की रोशनी बढ़ाने की क्षमता इसमें होती है। और यदि लिंगड़े का अचार आप खाते हैं तो इसके अचार से जुकाम, बुखार आदि बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। और लिंगड़ा में कुल मिलाकर ये लिखते हैं तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बहुत ज्यादा इसमें क्षमता होती है। लिंगड़ा एक खास तरह की वन औषधि है। बोटैनिकल अंदाज में कहूँ तो फर्न। ये बताना मुश्किल है कि कब ये फर्न जंगलों से आकर लोगों की थाली में बैठ गया। वैसे रिसर्च इस पर खूब हुई है, अब दिक्कत है कि हम पहाड़ों पर इसे पहचानेंगे कैसे। चलिए मैं ही बता देती हूँ। पौधा 2 फीट लंबा होता है। इसमें गहरे हरे रंग का रिंग की तरह लगता है लिंगड़ा। घाटियों में नमी वाली जगह पर पौधा पाया जाता है। बारिश में इनकी भी बाढ़ आ जाती है जो सर्दी तक रहती है।
ऊंचे हिमालय की गहरी घाटियों में ये पौधे अधिक मिलते हैं। इनको घर लाने और बनाने की भी एक परंपरा है, जिसके बारे में बताया भारती आनंद ने। मुझे याद है मेरी दादी और नानी जब भी जंगल की तरफ लकड़ी लेने या पशुओं के लिए चारा पत्ती घास लेने जाती थी, तो आते वक्त वो लिंगड़ा की सब्जी जरूर लेके आती और बड़े ही चाव से उस दिन हम सभी लोग लिंगड़े की सब्जी का स्वाद लेते थे। और लिंगड़ा हमारे यहाँ ऐसे मौसम में पैदा होता है जब उस समय अन्य सब्जियाँ जो है हमारे इलाके में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, और ये उस वक्त होता है जब हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में खूब काम होते हैं, धान की रोपाई होती है, तो ऐसे समय में लिंगड़ा की जो सब्जी है उसको हम आलू के साथ कर बनाते हैं, और ये इसका जो स्वाद है चावल या भात के साथ खाने में बड़ा ही ये स्वादिष्ट होता है। आज तो लिंगड़े की जो है अलग अलग तरीके से लिंगड़े को बनाया जाने लगा है। खेतों में गई महिलाएं एक तरफ जानवरों के लिए चारा जुटाती हैं, दूसरी तरफ अपने किचन के लिए लिंगड़ा। लेकिन बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब इसकी पूछ कम हो गई। पहाड़ों पर भी वही सब्जियां बनने लगी जो मैदानों में बनती हैं। अपना लोकल स्वाद गुम होने लगा था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने लोगों को फिर से लोकल के लिए वोकल कर दिया है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन से बहुत कुछ फायदे भी हुए हैं। बाजारों में बाहर से सब्जियां आ नहीं रही थी और लोग खरीदते भी कहां से, मजबूरी में वापस लोगों को अपने लोकल आइटम की तरफ देखना ही पड़ा। लिंगड़ा तो पहले भी था, अब भी है, लेकिन अब फिर से इसका उपयोग बढ़ा है। दूसरे ये जो लोगों ने नए नए स्वाद जोड़े उससे भी फायदा हुआ है। देहरादून की गली मोहल्लों में सब्जी वाले घूमते हैं, उनके ठेलों पर आपको लिंगड़ा सामान्य रूप से दिख जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। बाजार का सीधा सा फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है। दिखने के लिए चाहिए वैल्यू एडिशन। लिंगड़े जैसी परंपरागत सब्जी में ये वैल्यू एडिशन हुआ टीकाराम और भारती आनंद के आने से। इन लोगों ने उसे नया स्वाद और रूप दिया, सबसे जरूरी कि रोजगार से जोड़ा। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, अभी लिंगड़े के कई रूप और दिखने बाकी हैं। ये जो लिंगड़ा है अप्रैल से लेकर सितंबर तक लोग आ सकते हैं, बाद में बड़ा हो जाने के कारण ये किसी भी काम का नहीं रहते हैं। अब कोशिश है ये साल भर तक लोगों को मिले, डब्बे में बंद होकर बिके। कुछ और डिश बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हर राज्य का अपना खान पान होता है, उत्तराखंड का भी है। बस अफसोस ये है कि राज्य के बाहर इसे उस तरह पहचान नहीं मिली, क्योंकि दूसरी जगहों से यहाँ आने वालों को भी वही सब खाने को मिलता है जो दिल्ली मुंबई कोलकाता में। द्वारका कहते हैं कि जिस तरह बुराश को व्यावसायिक रूप दिया गया, दिल्ली तक बुराश का जूस मिलता है, वैसी ही कोशिश लिंगड़े और दूसरी पहाड़ी सब्जियों के लिए करनी चाहिए। अगर ये काम विधिवत हुआ तो उत्तराखंड के 16,000 गांवों की एक बड़ी आबादी को रोजगार के लिए अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। अभी तो कुछ ही जगह है, लेकिन हर होटल ढाबे रेस्टोरों में लिंगड़ा और दूसरे पहाड़ी व्यंजन होने चाहिए। उम्मीद है कि अगली बार जब आप पहाड़ों पर घूमने जाएंगे तब तक लिंगड़े के साथ कुछ और प्रयोग हो चुके होंगे। तो आप जिस होटल में खाने बैठे वहाँ लिंगड़े की डिश मंगाना मत भूलिएगा। अभी आपने सुना उत्तराखंड के परंपरागत खानपान से रूबरू कराता हमारा स्पेशल पॉडकास्ट। समाज से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए नवभारत गोल्ड। अब अपनी दोस्त कोमिका माथुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।